हमारा चला लाइव हो गया। सभी साथियों को शुभ संध्या। आज आप सबको पता होगा कि प्रशासन द्वारा आज डीजी महोदया से मिलवाने के लिए कहा गया था, जिसमें वार्ता का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले उनसे कहा गया कि हम सब प्रशिक्षित हैं और 3 साल से प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है, अभी तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई। जहाँ पर डीजी महोदया ने कहा इस मामले पर संज्ञान में है और इस पर शासन स्तर पर चर्चा परचर्चा हो रही है। उसके बाद दूसरा सवाल ये किया गया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में 51,112 पद पे चर्चा सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दिया है, जिस पर अभी तक भर्ती नहीं दी गई है, जिसमें मैडम ने बोला है देखिए इस मामले को संज्ञान में है, हम इस बारे में अगली बैठक में चर्चा पर चर्चा करेंगे और जैसा भी होगा आप सबको बताएंगे। और उन्होंने कहा कि धरने को स्थगित कर दें, लेकिन धरना हमारे द्वारा बोला गया कि धरना अनवरत चलेगा जब तक लिखित रूप से विज्ञापन नहीं जारी हो जाता, जब तक हम सबकी मांगों को पूरा नहीं हो जा सकता। मैं निवेदन करना चाहता हूं साथियों, आप सब इसी तरीके से अनवरत धरने में भीड़ बढ़ाए रखें। आज कहीं ना कहीं बैठक हुआ, यहां पर कहीं ना कहीं सकारात्मक चीज़ें निकल के आ रही हैं। हम सबकी मांगों को शिक्षा मंत्री जी के सानिध्य में है और साफ रूप से आज स्पष्ट हो गया बात कि हम सब जरूर जीतेंगे, लेकिन संख्याएँ बल घटनी नहीं चाहिए। मैं आपको रजत सिंह पुनः आश्वस्त करता हूं कि आप सब अधिक से अधिक संख्या में अनवरत धरने में सम्मिलित हों, हम सब जरूर जीतेंगे और हम सब जरूर 2022 में नियुक्ति पत्र हासिल करेंगे। आज हमें बहुत खुशी है कि अनवरत धरने के 9वें दिन पर प्रशासन द्वारा और बेसिक विभाग के अधिकारियों की जिस तरह से बातचीत से निकला सार है, वो सार स्पष्ट हो चुका है कि कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की चर्चा पर चर्चा होने लगी है। आज शिक्षा मंत्री ने बैठक किया था बेसिक शिक्षा परिषद में, SCERT डायरेक्टर, उप सचिव, अपर शिक्षा सचिव और विशेष सचिव और निदेशक और अनामिका मैम DG महोदय की उपस्थिति में आज बैठक हुआ था, जहां पर मुख्य बिंदुओं पर चर्चाएं हुई थी। शिक्षा मित्रों के बिंदु पर और रिक्त पदों पर और कुछ अन्य बिंदुए थे, लेकिन हमारा मामला है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन पे, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मामला पर आज चर्चा पर चर्चा हो रही है और कहीं ना कहीं हम सब जरूर जीतेंगे, लेकिन सरकार की मंशा शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन आचार संहिता से पहले से देने से मंशा नहीं है, वो सब मैडम की बातों से यही लग रहा है कि तैयारियां हो चुकी है, कमेटी रिपोर्ट भी दे दी है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव के बाद इनकी देने की मंशा है। अगर हम सब इसी तरीके से, जिस तरीके से आज कमेटी की रिपोर्ट आ गई है इनके पास, जिस तरीके से शिक्षक भर्ती मामले पर चर्चा पर चर्चा हो रही है, इनके कहीं ना कहीं मामला ये है कि ये चुनाव के बाद देना चाह रहे हैं, लेकिन अगर चुनाव के बाद देंगे तो जरूर मसला अटकाएंगे, भर्ती लंबित होगी काफ़ी दिन के लिए। हम सबको संघर्ष करना, लड़ना है, जीतना है, जिसके लिए हर हाल में आचार संहिता से पहले विज्ञापन जारी करना होगा। अनामिका मैडम ने साफ शब्दों में कह दिया है कि आप सब धरना खत्म करिए, हम सब इस मामले को संज्ञान में लिए हैं और जरूर इसका हल निकालेंगे। तो हम निवेदन करना चाह रहे हैं कि आप सब अनवरत धरने में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पढ़ें, कहीं ना कहीं आज जीत रहे हैं और कहीं ना कहीं हम सबकी मांग पूरी हो रही है, इसलिए निवेदन करता हूँ कि जल्द अनवरत धरने में संख्याएं बढ़ाएं। साथियों, अनामिका मैम जी से, मान्यता जी से ये भी कहा गया कि जो कमेटी आपने आपके लोगों को बनाई गई थी उस कमेटी का क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि कमेटी ने 2 बार रिपोर्ट भेज दिया है। हमने कहा मैम उसके लिए कमेटी तो नहीं बनानी पड़ी, खोजने के लिए बोले नहीं, 2 बार रिपोर्ट आ चुकी है और इस पर चर्चा चल रहा है। और हमारे संज्ञान में ये भी है कि आप इको गार्डन में सो रहे हैं तो आप ठंडे में न सोइए, नई शिक्षक भर्ती का आज शिक्षा मंत्री द्वारा चर्चा भी किया गया है। लेकिन साथियों, अगर हम लोग ठंडा पड़ जाएंगे तो ये चुनाव के बाद देने के प्लान में है, लेकिन अगर हम लोग संघर्ष करेंगे तो चुनाव के पहले इन लोग को विज्ञापन जारी करना पड़ेगा। धन्यवाद।